कलेक्टर। जंगलपुरा कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 40 साल शख्स मोहम्मद अशरफ भट्ट गुज़श्ता 3 दिनों से लापता बताए गए हैं। मोहम्मद अशरफ के अहलखाना ने बताया कि वो कस्बा कुलगाम से अचानक लापता हो गए। अहलखाना और उनके पड़ोसी मोहम्मद अशरफ भट्ट के लापता होने से परेशान हैं। मुतलिका इलाके के लोगों ने इस हवाले से पुलिस थाना कुलगाम में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। अहलखाना ने LG इंतजामिया और कुलगाम पुलिस से मुदाखलत की अपील की। वे DC साहबस SP साहबस अपील करान SHO साहबस दीतन यह दबा दब दीतो अम स पता तो पता दीतो जल्दी यह मौज महराज प्यारा अमिस बन प्यारा बहुत प्यारा खास कर पे माम प्यारा सारी प्यारा करान अपील दीतो वे इंसाफ दीतन यह कुछ लबित यह कथन कथन तो यह कथन यह कथन दीतन यह लबित अपील हमारी यही है क्या ऐसे शरीफ आदमी को आज जो मुकदस दिन है हमारा 15 अगस्त ये मुकदस तरीन दिन है। हम सारा औकाफ सारा गाँव जंगलपोरा गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं SHO साहब से गुजारिश करते हैं DC साहब से गुजारिश करते हैं तमाम जो अरबाब इकतदार हैं उनसे आप गुजारिश करते हैं कि ऐसे शरीफ आदमी आज से शरीफ आदमी के लिए अपनी कोशिशें बराबर करो और इसको बाजियाब करो ताकि लोगों में आदमी एतमाद बहाल हो जाएगा। लद्दाख में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निफास के तहत गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल बथांग सिघुशकी में फूड फेस्टिवल मनाया गया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद काजिम मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स ने फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इन तलबा ने लद्दाख खास तौर पर करगिल के कुछ खसूसी पकवान लाए थे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद काजिम ने कहा कि ये स्कूल UT लद्दाख के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है और सातिजा की काविशों की बदौलत ये स्कूल अब तक एक मिसाल बन चुका है। तालीम के साथ खेल बहुत जरूरी है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे लेना दूला को करिकुलर एक्टिविटीज से नो गेम्स जो चिन या मिसाल तो बस सेमिनार जो चिन सिंपोजियम जो चिन छाना दिस सक नता दिस एजुकेशन पॉलिसी जो है ना एजुकेशन पॉलिसी अनु गंता आधारित नहीं फूड फेस्टिवल था से फूड फेस्टिवल पर गंता फूल ला गंती लोकल जानी ची फायदा यो या दूध ची बस हासिल बा हाँ दूध दर्शन हम ची बस स्कूल बस दूध यहाँ तरबियत चीन मतलब फूल ला। करगिल में 7 रोजा नेशनल हैंडलूम डे का इख्तिताम हो गया। हैंडलूम डिपार्टमेंट करगिल ने इसका एहतमाम किया था। 40 स्टॉल्स लगाए गए थे। मकामी फनकारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और NRLM ने अपने प्रोडक्ट्स पेश किए। डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट हैंडलूम आरिफा इकबाल लोन ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हैंडलूम के बुनकर बुनियादी तौर पर अपनी मसनूआत के जरिए जादू बुनते हैं और ये शोबा खदशात के बावजूद जिंदा रहा है और उम्मीद जाहिर की ये शोबा वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा और तरक्की की राह पर गामजद होगा। मौके पर जो 7 तारीख से 14 तारीख तक जो है हमारे ये हैंडलूम जो एग्जीबिशन चला 7 से 14 और आज इख्तिताम पजीर हुए। इसमें 35 से 40 आर्टिजन जो है यहाँ पे हिस्सा लिया था जो हमारे करगिल के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के और NRLM जो SCGs है और तालो रखने वाले जो आर्टिजन्स हैं लोकल आर्टिजन जिसे जो हमारे करगिल में ही घरों में बनाते हैं वो लोग जो शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे आए तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा सर। पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जैसे हम बाहर एग्जीबिशंस करते थे वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया और ख़ासकर गर्मी में यहाँ तो सर्दियों के प्रोडक्ट थे लेकिन बहुत। तो नाज़रीन कश्मीर न्यूज़ में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त लेकिन मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।